अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फीस्ट विद टीस। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्विक से क्रंची से पालक पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना भी बहुत आसान होगा और ये इतनी क्रिस्पी होते हैं ना कि इसको खा के आपको मज़ा ही आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पालक लेंगे रफली चॉप 250 ग्राम, बेसन शामिल करेंगे 1/2 कप छान कर, कॉर्नफ्लोर 1/4 कप डालेंगे, अच्छे से छान लेंगे, मैदा 2 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1 चुटकी और छान लेंगे, हरी मिर्च चॉप की हुई 2 से 3 अदद, कुटा धनिया दाना 2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी जितना रिक्वायर्ड होगा उतना शामिल करते जाएंगे और बैटर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा गाढ़ा सा, वाटरी नहीं होना चाहिए। अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। देखिए थिक बैटर तैयार हुआ है। अब गरम तेल लेंगे, उसके अंदर अभी का जो बैटर है उसे पकौड़े बनाकर शामिल कर लेंगे गरम तेल में, और दरमियानी आँख पर पकाएंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी से ना हो जाए। गर्मा गर्म से पालक के पकोड़े तैयार हैं, जो कि बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। पकाना भी आसान है, खाना भी आसान है। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। परफेक्ट टी टाइम स्नैक्स हैं, चाय के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं, हरी चटनी के साथ तो पूछें ही मत। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में भी अपनी फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।